गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर, ब्यूटीफुल कैंपस इन द फुट हिल्स ऑफ अरावली हिल्स। बहुत बड़ा कैंपस है, 35 acre कैंपस। सो देर आर टू सेगमेंट्स, पीछे काफ़ी बड़ा है, मैं आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ यहाँ का। ये इनका मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग है पूरा। देन पीछे वी हैव कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कॉलेज ऑफ डेंटल, देन वी हैव हॉस्टल्स, ऑल्सो वी हैव देयर सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्टोरी 15-story वार्ड्स, आई मीन स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर स्पेशल एंड अदर डिपार्टमेंट्स। दिस इज गीतांजलि हॉस्पिटल। आइए, ये बैक साइड है, पीछे गीतांजलि डेंटल कॉलेज, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी कॉलेज, सारे हैं रिगार्डिंग BMLT, रिगार्डिंग मेडिकल से रिलेटेड सारे कॉलेज हैं इसके अंदर। ये आपका गीतांजलि हॉस्पिटल है, ज़बरदस्त पेशेंट फ्लो है यहाँ पे, बहुत अच्छा पेशेंट फ्लो। अभी हमारे देखते देखते इन 10 मिनट पेशेंट कमिंग ओवर है, और क्योंकि उदयपुर सिटी से बिल्कुल लगा हुआ है इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि करीब करीब यहाँ पे मोर देन 2000 पेशेंट आपका डेली आ रहा है, राइट। 1900 पेशेंट का OPD है यहाँ पे, और IPD 300 पेशेंट का IPD भी चलता है यहाँ पे, एमरजेंसी। दिस इज एमरजेंसी वार्ड, अराउंड 2000 मेजर सर्जरीज एंड 3500 माइनर सर्जरीज इन दिस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 85%। दे ऑल्सो हैव अ कोविड वार्ड इन द एडजॉइनिंग बिल्डिंग, एंड गीतांजलि में PG कोर्स भी आ चुका है, और PG के लिए स्पेशली इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप किया है। PG हॉस्टल्स, PG हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। गाइज, दिस इज गीतांजलि कैंसर सेंटर, अ मल्टी स्पेशलिटी जो गीतांजलि ग्रुप ने बहुत अच्छा बनाया है, ये पूरा सुपर स्पेशलिटी सेंटर। इसमें ग्राउंड फ्लोर पे आपके 2 floor कैंसर सेंटर्स के हैं, और अपर फ्लोर्स पे डर्मा और अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स से काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ है, दे हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग इन डिटेल। ब्यूटीफुल कैंपस, बहुत अच्छा कैंपस है गीतांजलि, लश ग्रीन, माउंटेन्स के बीच में आपका उदयपुर सिटी में। दिस इज़ द PG हॉस्टल विच इज़ कमिंग फॉर गर्ल्स, बहुत ही अमेजिंग टाइप की बिल्डिंग, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ फॉर PG, दिस इज स्पेशली फॉर PG जो बिल्डिंग बनाया गया है, एंड बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनल स्टेजेस में चल रहा है, दे आर अबाउट टू फिनिश इट आई एम श्योर, बट बहुत अच्छी एमिनिटीज़ हैं। ग्रेट कैंपस टू स्टडी, डेफिनेटली ग्रेट कैंपस। आई हैव विद मी स्टूडेंट्स ऑफ इंटर्नशिप फ्रॉम गीतांजलि मेडिकल कॉलेज। आई हैव कल्पित इज फ्रॉम उदयपुर, एंड महेश कोटपुतली से बिलोंग करते हैं, यहीं के स्टूडेंट्स हैं, और थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, और थोड़ा कैंपस के बारे में भी हमें व्यू पॉइंट देंगे। तो बल्कि थोड़ा कैंपस के बारे में बताइए प्लीज सर, यहाँ पे कौन से बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे? सबसे पहले ये तो जनरल पूरा हॉस्पिटल है, इस साइड ये वाला जो मेन बिल्डिंग है, ये जो मेन बिल्डिंग है ये हॉस्पिटल है, ये पीछे भी जो नया बना है ये सुपर स्पेशलिटी वार्ड है और कैंसर वार्ड है। ये वाला जो बिल्डिंग है सामने, जो बेस है, जो सबसे लोअर ग्राउंड फ्लोर है वो तो कैंसर वार्ड है, और ऊपर बाकी दूसरे हर डिपार्टमेंट की सुपर स्पेशलिटी। वेरी गुड। फिर उसके बाद यहाँ पे ये गर्ल्स हॉस्टल है,
ठीक है, यहाँ पे इस साइड गर्ल्स हॉस्टल है। आइए थोड़ा सा इधर चले। अच्छा, ये सामने गर्ल्स हॉस्टल है। ये सर पीजी मैस है। पीजी मैस है। ओके। ये एमबीबीएस। एमबीबीएस है। यूजी मैस है। आई थिंक वो है आपका डेंटल का। डेंटल है। ये बॉयज हॉस्टल। ये बॉयज हॉस्टल है। और इसके उधर पीछे की तरफ पीजी, इस वाली बिल्डिंग के उधर पीछे की तरफ पीजी के, ये जो बड़ी बिल्डिंग बन रही है जो मुझे दिख रही है यहाँ से, ये भी सारे हॉस्टल है। हॉस्टल बड़ा मल्टी स्टोरी हॉस्टल बन रहा है वो वाला। हाँ, ओह माय गॉड। तो ये यहाँ से फिर हॉस्टल उधर मेन बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा। आई एम श्योर पीजी वालों के लिए पीजी हॉस्टल प्लस। ये तो काफी ऊंचा है, तो 12-13 मंजिला है। अच्छा, मेरे हिसाब से होगा करीब, कितने एकड़ कैंपस हो गए? 70-80 एकड़ कैंपस तो है आई एम श्योर। अभी फिलहाल के एमबीबीएस ये वाला। राजा वाली और अच्छा, ये उधर गर्ल्स हॉस्टल है। ये तो मैच थी पहले, अब तो कॉमन कर दिए ना मैच। हाँ, बॉयज गर्ल्स कॉमन। वो पीछे जो नर्सिंग की और बीडीएस की मैच। अच्छा, ये बॉयज हॉस्टल है। बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ यार। मुझे लगा पहले क्वार्टर है, फैकल्टी क्वार्टर्स है। फैकल्टी के लिए भी है क्वार्टर, फैकल्टी के उस साइड है सर। तो आप लोगों का भी यहीं पे होगा? हाँ सर। अच्छा, वेरी गुड। क्या चार्ज कर रहे हैं हॉस्टल का? सर हमारे तो सर 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए। हाँ। अच्छा, पर सर पुराना बैच है ना आपका? पुराना बैच है, बाकी अब तो सर अब तो फीस बढ़ गई है ना थोड़ी सी। 2 के आसपास। ये कौन सी बिल्डिंग है? वही तो बता रहे हैं, वो पीछे जो बन रही है वो पूरा हॉस्टल बन रहा है नया पूरा। उसमें सर गर्ल्स वो अच्छा अच्छा, वो नर्सिंग का डिपार्टमेंट है। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बन रही है ना नई बिल्डिंग? काफी अच्छी, मतलब मुझे लगता है कि ये तो होटल से कम नहीं लग रहा। हाँ सर। हाँ, बढ़िया है। पीजी के लिए। अच्छा, पीजी के लिए हॉस्टल बना रहे हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत। दोनों ही पीजी हॉस्टल। स्टाफ क्वार्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, हो जाएगा जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये आपका स्टाफ क्वार्टर है सारा? हाँ सर। वेरी नाइस। अभी सो मैं यही पूछना चाह रहा था, और ये क्या है आगे? ये सर सामने वो तो कैंसर सेंटर। अच्छा, वो जो बताया था आपने कैंसर सेंटर। सो कल्पित और महेश हैं, अभी आप फाइनल ईयर में सर, इंटर्नशिप। आपके 4.5 साल कम्प्लीट। अच्छा,
ऐसा पेशेंट हो जाए तो रोटेशन किस तरह से चल रही है आपके यहाँ? रोटेशन इनका सर हर जैसे हर मंथ अलग अलग है और बाकी और आपके कार्डियो ज्यादा पेशेंट है। यहां कोविड सेंटर भी है ना? कोविड सेंटर सर 6th floor पे ऊपर सर 6th फ्लोर बना है। 6th फ्लोर पूरा उसी के लिए कोविड वार्ड से कोविड वार्ड से ओपीडी सही चलती है और तो भी बढ़िया है। मेन तो देखिए मेडिकल कॉलेज में यही है कि आपका पेशेंट एक्सपोजर कैसा है और यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है गीतांजलि की कि बिल्कुल सिटी से लगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट फ्लो आ रहा है इस समय गीतांजलि में आ रहा है इसी वजह से आ रहा है। मैं देख भी रहा था, मैं अभी वही बात कर रहा था, पार्किंग में भी देख रहा था तो मैं इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी कोविड के पीरियड में कि लग ही नहीं रहा था कि हॉस्पिटल में कोई एक बंदा कम भी है यहाँ पे। बहुत अच्छा, तो मतलब ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड लगा कि एक अच्छा कॉलेज मिला और कहीं ना कहीं जो एक्सपोजर मिलना चाहिए। कॉलेज बहुत अच्छा है, वो आपको पढ़ाई भी अच्छी, पढ़ाई अच्छी है सर, फिर कोई बच्चों को कोई डिस्टरबेंस नहीं है। एक बार नहीं, आपकी फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, अच्छा कैंपस है, बड़ा है, हॉस्टल सेपरेट है, ज्यादा स्पेशियस है। और हॉस्टल में फैसिलिटीज वगैरह कैसी मिलती हैं आपको? फैसिलिटी सर बढ़िया मिलती है सर, जैसे हम तो सर एक हॉस्टल के अंदर एक रूम में एक है। अच्छा सिंगल रूम है। अच्छा, के लिए अलाउ करते होंगे। बाकी अब जैसे बच्चे आ रहे हैं जिनको दो भी कर रहे हैं, तीन भी कर रहे हैं, बाकी हम तो सिंगल ही हैं। कोई डबल है सर, में तो डबल ही थे पर अब खाली है हॉस्टल, इसलिए रह रहे हैं सिंगल। नहीं, मुझे लगता है जब ये जब मल्टी स्पेशलिटी वार्ड वगैरह चालू हो जाएंगे जो आपने बताया, तब और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बच्चों का, आने वाले बच्चों के लिए जो एक्सपोजर होगा, अब जो एडमिशन ले रहे हैं या जो आगे बढ़ेंगे उनको और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस उनके लिए। स्पेशलिटी को भी 2 साल हुए हैं चालू हुए, 2 साल इस बार नई बिल्डिंग बनी है जिसपे कलर वो इधर ये वाला, हाँ ये वाला, राइट। सबसे ग्राउंड फ्लोर पे तो कैंसर वार्ड है, पूरा कैंसर वाला डिपार्टमेंट है। उसके बाद ऊपर सारे हर उसकी स्किन की और डर्मा और तो पीडिया की मेडिसिन की सबकी सुपर स्पेशलिटी। तो सर अब इस बार सुपर स्पेशलिटी की सीट भी आएंगी ना गीतांजलि? हाँ गीतांजलि में, हाँ बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बाकी अब तक तो सर उसकी थी पीजी की थी, अब डीएम भी हो। और मुझे लगता है कि पीजी के बाद जब पीजी के स्टूडेंट्स आएंगे तो उसके भी एमबीबीएस वाले बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा उससे। हाँ सर, सो गाइज दिस वॉज गेट माई यूनिवर्सिटी फ्रॉम गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर, एंड होप सो और भी हम इंटरेक्शन करेंगे, फैकल्टी से, डीन से भी हम इंटरेक्शन करेंगे, डेफिनेटली वील प्रेजेंट यू। सो थैंक यू वेरी मच।